ज्योतिष आचार्य जी, रामनवमी का त्यौहार कुछ दिन में आने वाला है और हमारे हिंदू धर्म में पूजा में दीपक जलाने की परंपरा है, तो रामनवमी के दिन भगवान हनुमान जी को किस तेल का दीपक जलाने से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और सभी संकटों का विनाश हो जाता है? जय बाबा विद्यनाथ। अब 17 अप्रैल को रामनवमी का पर्व जो है पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और हनुमान जी ऐसे देवता हैं घर के सभी कष्टों को समाप्त करने वाले हैं, घर में सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। हनुमान जी की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। यदि आपके ऊपर हनुमान जी प्रसन्न हैं तो समझिए कि आपका सारा काम हो जाएगा। तो हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें, हम ये बात उठती है। तो हनुमान जी को प्रसन्न करें, यदि रामनवमी के दिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के पास दीपक जलाएं, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। अब रही बात कि उस दिन हम हनुमान जी के समक्ष किस चीज़ का दीपक जलाएं, तेल का जलाएं, घी का जलाएं या किस चीज़ के तेल का जलाएं, ये थोड़ा सा संशय की बात होती है। तो इसमें संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप ग्रह से परेशान हैं, आपके ऊपर ग्रह का छत्र छाया है, तो आप जो है तिल का तेल आप भगवान हनुमान जी के पास जला करके हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आप घर में सुख और समृद्धि चाहते हैं तो घी का दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी होगी। आपको कष्ट है, आपको परेशानी है, आपके घर में कलह हो रहा है, तो इससे बचने के लिए आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सीधे तिल का तेल आप दीपक में डालें और उसको जलाएं और हनुमान जी को प्रसन्न करना।